हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पंजाबी का नरेश यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को। थैंक यू सो मच। मिशन अकम्प्लिश्ड। कितने सालों से ड्रीम था कि हम अपने मोटरसाइकिल पे साच पास जाएं और आज हमने ये ड्रीम पूरा कर दिया। लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, बहुत मुश्किल है, बहुत वाकई बहुत मुश्किल है। यस, है मुश्किल है, पर इन मुश्किल के बावजूद हमने किया एंड वी फील प्राउड ऑफ इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो YouTube पे मेरा लिंक है पंजाबी कर नरेश, उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें वीडियो। फिर से बोल रहा हूँ, YouTube पे मेरा लिंक है पंजाबी कर नरेश, इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और जितने आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतनी हौसला अफजाई होगी, उतनी लोगों को नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल जी। और अब साच पास से अब हम जा रहे हैं डाउन स्लोप किलार। किलार 2 घंटे का रास्ता है, 25 किलोमीटर, और हम आराम से जाएंगे, बिल्कुल आराम से। और रास्ते में हम खुद कोशिश करेंगे कि मैगी बनाएं, क्योंकि सिलेंडर वगैरह सारा सामान किचन का हम लेके आए हैं साथ में कैरी करके, तो वहाँ जाके मैगी बनाते हैं और खाते हैं। बिल्कुल जी। चलो अब यहाँ से चले हैं साच पास से किलार। Gladiators! Jindabad! Gladiators! Jindabad! Hello friends! Sach Pass में हमने काफ़ी ज़्यादा enjoy किया, माथा टेका, snaps ली हमने, और अब निकलने लगे हम किलार की तरफ। किलार यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, near about 40 किलोमीटर। अब चलते हैं किलार की तरफ। रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ है, रियली इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस रोड इन दिस वर्ल्ड। कभी भी आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए सेफ्टी के साथ। स्नो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। आगे रोड में साच पास से लेके किलार तक अब रोड में उतराई है, तो बाइक बहुत ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ेगी और स्लो। Yeah, this is my first snowfall. Hey! साच पास के नजदीक स्नोफॉल हो रही है भाई, मजा आ गया। पारस, दीपक, परवीन, विश यू सो मच। स्नो चाहिए लाइए। लकी, किशोर, कृष्णा, शिवाश, रिमा, मजा आ गया भाई। कितनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, वाओ। बड़ा वैली बहुत जबरदस्त बनी नीचे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चौदह हजार 14,500 फीट से स्नोफॉल हो रही है भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे बाइक स्लिप हुई मेरी और मैं गिर पड़ा, और हमारे भाइयों ने मुझको मिलकर उठाया। बिल्कुल जी। एंड आई एम मोर एक्साइटेड नाउ। मजा आ गया, मजा आ गया। अभी ये हमारी बाइक काफी ज्यादा साथ दे रही है।
साच पास में लाइव स्नोफॉल हो रही है और उसमें ड्राइविंग का मजा ले रहे हैं हम। देखिए आप कितना मजा आ रहा है, वाओ। साइड में देखिए कितनी अच्छी वैली है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा लकी है हम, बहुत ही ज़्यादा लकी है हम कि यहाँ साच पास में लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। साच पास से किलार की तरफ जा रहे हैं हम और साच पास से 12 किलोमीटर हम आए हैं, 12-13 किलोमीटर, और ये छोटी सी एक स्टॉप है, इसका नाम है स्टॉप का नाम है भगोटू। यहाँ पे खाने पीने की यहाँ फैसिलिटी है, एमरजेंसी कभी रहना भी पड़े, लेट वगैरह हो जाए, रात पड़ जाए तो यहाँ आप स्टे कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ चाय वगैरह पियेंगे फिर किलार की तरफ चलेंगे, आगे की यात्रा फिर करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। लो जी ये अंदर का सीन है, तो अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, यहाँ सोने वगैरह सोने की व्यवस्था भी है, अगर आप कभी रात वगैरह पड़ जाए तो यहाँ स्टे कर सकते हैं बाइकर्स। पीछे काफ़ी स्नोफॉल हुई और अब मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। दिखाते हैं आपको भी परोठे पनीर के साथ, पनीर मिक्स करके हरी मिर्ची के साथ, यमी यमी। आगे पानी है इसलिए मैं शूज चेंज। अभी शूज चेंज किए हैं, सामने पानी है तो कर गई है। इस नाले का कोई नाम है, बहुत फेमस नाम है हम भूल गए हैं, नाले का नाम हम भूल गए हैं।
हेलो फ्रेंड्स, अभी किलार कोई 10 किलोमीटर दूर है और अभी अभी राजीव भैया की जो डिस्क ब्रेक है बैक साइड की वो ख़राब हो गई है, ये फ्री हो गया तो थोड़ी मुश्किल आ रही है हमें, अंधेरा होने वाला है तो अब कोशिश करेंगे धीरे धीरे बाइक लेके जाएंगे। क्लोज अप खराब हो चुकी है ब्रेक, तुसी हौसला नहीं हार रहा ना ना आप पहुंच जाएंगे राम ना राम मैं तो चैलेंज लेना हूं ना जो कोई नहीं हूं चैलेंज आ किलाड़ तक लेके जानी है ठीक है जी। और ब्रेक सिर्फ अगली लगाई जाएगी, पिछली फेल हो गई है ते कोशिश कर रहा है आराम से जाया जाएगा, पहले दूसरे गियर च स्लो स्लो जावांगे जी। पारस रियली ब्रेक जो फेल हुई मैं तेन मिस कर रहा सी। अभी हम किलार में हैं, अभी सुबह उठे हैं हमने, हम उठे हैं अभी, खलारा वगैरह जो भी हमने डाला हुआ है कपड़ों का वो संभाल रहे हैं और हमारी बाइक का चेकअप भी हो रहा है। मकैनिक के सामने मकैनिक की दुकान है, दोनों बाइक्स चेक करवा रहे हैं कि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आई थिंक बाइक इन गुड कंडीशन। अभी थोड़ी देर तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम कोलांग। आज का हमारा टारगेट है कि किलार से कोलांग तक एक दिन में पहुंच जाएंगे और रास्ते में जो भी प्लेसेस होगी वो आपको दिखाता जाऊंगा।